YMS News 24 में फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खबर नवी मुंबई महाराष्ट्र से। अजेंद्र अग्री चीफ रिपोर्टर के साथ। कोपक हेरने तालुका ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वंदे मातरम जनसेवा मंडल वार्डन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से इस वर्ष वार्ड नंबर 16 के 3 पार्कों में 50 पौधे लगाए गए हैं। पौधे शिव मंदिर सेक्टर 3 चिकनेश्वर गार्डन एवं राजा छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान सेक्टर 1, 2, 3, 4 में लगाए गए। नवी मुंबई के पूर्व महापौर जिलाध्यक्ष श्री अनिल जी कौशिक साहब के मार्गदर्शन में एवं कोपरखैरने तालुका ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अभिजीत बापूराव काकरे और अल्पसंख्यक अध्यक्ष वार्ड नंबर 16 श्रीमती हरुनिशा खान मैडम, विकास विठल शिंदे वार्ड नंबर 16 अध्यक्ष श्री अमित सुभाष होंडे, अध्यक्ष वार्ड नंबर 16 किरण चिकने, सुश्री सकलिन शेख, विशाल सिंह, प्रभु कोरे एवं विभाग के सभी वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। YMS News 24 चैनल, जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है कोपरखैरना, जहाँ पर कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ पर वृक्षारोपण का आयोजन किया गया है, जिसके कोपरखैरना कमेटी के उपाध्यक्ष सुनील पारकर जी, कार्याध्यक्ष अभिजीत काकड़े के नेतृत्व में किया गया है। आइए हम इनसे जानते हैं कि किस तरह का यहाँ पर आयोजन किया गया और किस तरह का यहाँ के लोगों का योगदान था। आइए हम सीधा उनसे जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो वृक्षारोपण जो कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है कोपरखैरना कांग्रेस कमेटी की ओर से? तुकाराम महाराज ओवी प्रमाणे वृक्षवल्ली आमा शेरी वंचर या ओवीला अनुसरून आम्ही झाडांचा महत्व जपतो। झाडं लावणे आणि झाडं जगवणे किती महत्त्वाचं आहे पर्यावरणासाठी, त्यासाठी आम्ही हा प्रोग्राम घेतला आहे। कोपरखैरने काँग्रेस कमिटीच्या माध्यमातून जिल्हाध्यक्ष आणि कौशिक साहेबच्या मार्गदर्शनाने आम्ही हा प्रोग्राम घेतला आहे। और कैसी भूमिका थी यहाँ पर, जो आप कितने बजे शुरुआत किए जो वृक्षारोपण का? यहाँ पर 10 वाजता शुरुआत के लिए, आता 1 वाजलं। लोकांचा प्रतिसाद लय चांगला। यहाँ के लोगों का भूमिका कैसी थी, योगदान कैसा था? लय चांगला प्रतिसाद, झाडं लावा, झाडं वा झाडं जगवा आणि ऑक्सिजन, त्यासाठी ऑक्सिजन वाढवा, त्यासाठी आम्ही प्रोग्राम घेतला। तो अभी तक आपने कितने पेड़ यहाँ पर लगा चुके हैं? 50 50। और उसमें किस किस प्रकार के पेड़ थे? त्यामध्ये आयुर्वेदिक फूल फळ, कडुलिंब, पेरू, जास्वंद अशा प्रकारचे आम्ही 50 झाडे लावले। आप क्या कहना चाहेंगे? आज तो हमने सुबह से 10 बजे से विविध प्रकारचा म्हणजे वृक्षारोपण केले आहेत आणि झाडे म्हणजे विविध प्रकारचे झाडे लावले आहेत आतापर्यंत 10 वाजल्यापासून 1 वाजेपर्यंत। त्यात पेरूचे झाडे, डाळिंबाचं वापस, खूप सारे प्रकारचे झाडे आम्ही आज लावलेले आहेत। तर तेच मी लोकांना सांगू इच्छितो की म्हणजे सकाळी आजकाल आपले आता चालले की झाडे तोडत आहेत, तर कसं सगळ्यांनी म्हणजे ते गार्डनमध्ये येतात, आम्हाला म्हणजे बाकीच्यांनी पण सहकार्य केलं एकदम चांगलं, गार्डनमध्ये जॉगिंग्स वगैरे येतात, तर त्यांनी म्हणजे आपल्यातनं एक तरी झाड लावावं। आज वृक्षारोपण का यहाँ पर आयोजन किया गया, सारे लोगों ने एक अलग अलग विचार रखे, आपका क्या विचार है? माझा विचार हा आहे की आपण वर्षाचे 365 दिवस वृक्षारोपण केलं पाहिजे, कारण जर वृक्षारोपण होणार नाही तर आपल्याला ऑक्सिजनची जी आज कमतरता भासते, आपण जसं बघितलं की या 2 वर्षाच्या कोरोना काळामध्ये आपल्याला ऑक्सिजनची खूप अत्यंत गरज लागली, ती गरज का लागली तर ह्या निसर्गामध्ये ऑक्सिजनची कमतरता आहे, तर ती कमतरता पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला जास्तीत जास्त आपण जी झाडं आपल्या जमिनीला पाणी देऊ शकतात, जमिनीमध्ये पाणी ठेवू शकतात, अशी समाज उपयोगी अशी लोकांच्या हितांसाठी नागरिकांच्या हितासाठी जी आपण झाडं लावू शकतो, जशी फुलांची झाडं, जे ऑक्सिजन वाढवणारी आयुर्वेदिक झाडं, निलगिरीची झाडं, पारिजाताची झाडं, परत विविध नाना प्रकारची अशी झाडं आहेत की जी आपण आज लावतो आहे, पिंपळाचं झाड आहे, वडाचं झाड आहे, की जे ह्या पृथ्वीवरचा ऑक्सिजनचा पाण्याचा साठा समतोल राखतो, त्या दृष्टिकोनाने कोपरखैरने काँग्रेस कमिटी आणि या कोपरखैरनेच्या सेक्टर 1, 2, 3, 4 वार्ड क्रमांक 37, 38 प्रभाग क्रमांक 16 यांच्या वतीने आणि वंदे मातरम जनसेवा मंडळाच्या वतीने, वर्धान वेलफेअर असोसिएशन यांच्या वतीने आणि तसेच महाराष्ट्र राज्य माथाडी जनरल कामगार संघटना व तमाम येथील रहिवाशांच्या वतीने, सर्व मित्रमंडळांच्या साथीने आज आम्ही वृक्षारोपण करतो आहे। दरवर्षीप्रमाणे आपण हा वृक्षारोपण करतो, तसंच ह्याही वर्षी आम्ही हा वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम आयोजन केला आहे। तो
हर साल आप करते हो? दर वर्षी प्रमाणे करतो तसंच ह्या वर्षी खान मायनॉरिटी अध्यक्ष वार्ड क्रमांक 16 कोकरसना तालुका। आज हम लोगों ने ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी इतनी बड़ी जो ग्रुप है ये कार्यक्रम आयोजित किया है झाड़ पेड़ लगाना, इसलिए कि इसे झाड़ पेड़ लगाने की बहुत ज़रूरत है। ऑक्सीजन की कमी, हर जगह झाड़ पेड़ काट के बड़े बड़े घर बना रहे हैं, बंगले बना रहे हैं, किस काम का है? जब हमें सांस लेने की ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उसी चीज़ को हम काट देंगे, नहीं रखेंगे तो हम जिएंगे कैसे? और यही उद्देश्य है हमारी पार्टी का, हम लोगों का। और सुनील दादा पारकर, अभिजीत काकड़े सर, अनिल जी कौशिक साहब के समर्थन से, उनके सपोर्ट से हम लोग ने ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये सारा प्रोग्राम आयोजित किया है। चैनल के माध्यम से कोपर के नर रहवासी से आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा साथ दें, झाड़ पेड़ और भी बहुत काम हैं जो उनके हित में, उनके भले के लिए है, जनता के लिए ही है, सिर्फ हम ही को नहीं जीना है, जनता पब्लिक के लिए ही ये सब किया जाता है। और ऑक्सीजन की ज़रूरत हर एक इंसान को है, तो उनसे मेरा ये कहना है कि झाड़ पेड़ मत तोड़िए, रहने दीजिए, हम ही लोग की ज़रूरत है, हम लोग की ही जरूरत का काम है ये सब। और हमारा कार्यक्रम के बारे में, जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया आज कोपर खन्ना कांग्रेस कमेटी की ओर से, आज संडेचा दिवस है, सुट्टीचा दिवस, तर सकाळीच प्रत्येकाने ठरवलेलं कालच की आज संडेच्या दिवशी सुट्टीमध्ये झाडं वृक्षारोपण करायचं, एक एन्जॉयमेंट पण होते मुलांची आणि झाडं पर्यावरणाचं आपण संतुलन पण राखतो, कारण झाडं आता कालांतराने झाडांमध्ये कमतरता होत चाललेली आहे, झाडं तुटत चाललेली आहेत, कटिंग होते त्याची, त्यासाठी आम्ही झाडे लावून पर्यावरणाचं। जो लोग नौकरी पर जाते हैं, जब रविवार की छुट्टी होती है तो लोग ये सोचते हैं चलो घूमने जाएंगे, एंजॉय करेंगे, मौज करेंगे, ऐसे आपके दिमाग में क्यों नहीं आई सारी चीज़ें? घूमने तो हर कोई जाता है, पर पेड़ लगाने से क्या होता है कि अपने को भी और दूसरे को भी, पर्यावरण का संतुलन उससे रुकता है, इसके लिए वो करना पड़ता है, तो एंजॉय इसमें भी मिलता है, बहुत एंजॉय करती है। हाँ, पब्लिक बहुत एंजॉय करती है इसमें। तो आपका कैसा योगदान था? अच्छा था।